खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं काबुल आवर, मैं हूं शहजाद रजा। दुनिया भर में अफगानिस्तान के मसले पर बहस जारी है। ओआईसी सऊदी अरब ने प्रपोज किया है ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, और पाकिस्तान ने ऑफर की है कि वो अपने मुल्क में इसकी मेज़बानी कर सकता है। इसके साथ अफगानिस्तान पे मामलात और उनके मुज़ाकरात अमरीकी हुकाम से, ईयू से, कल हमने उस पर बाकायदा डिस्कस भी किया कि हुए, नतीजा कोई हमें अभी तक नज़र नहीं आया। थॉमस वेस्ट के मुताबिक अफगान तालिबान को पहले ही तंबीह कर दी गई थी कि अगर वो ताकत के जोर पर इक्तदार में आए, ये अमेरिकन वर्जन है, तो हम उनकी इमदाद बंद कर देंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान से पहले उनका 75% इन्हिसार बैरूनी इमदाद पे था, जिससे वो अपना निज़ाम मुमलकत चलाते थे, और अब वो बंद हो गया। इसका मतलब कि 75% वो उस काबिल नहीं है कि अपने मुल्क को वो चला सकें। तो सूरत हाल इस वक्त यही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि इस वक्त ज़रूरत है अफगान बहन भाइयों को हमारी पहले से कहीं ज़्यादा, जिसमें ओआईसी को भी उन्होंने मुखातिब किया, खुद पाकिस्तानी हमवतनों को भी से भी बात कर रहे थे, पूरी आलमी बरादरी से। सो इस मसले का हल यकीनन जल्दी निकलना चाहिए। हम बार बार ये बात करते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं, वहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती चली आ रही है, लोगों के पास खाने को चीज़ें नहीं हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, उन बच्चों के लिए अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स के लिए फ़ी नहीं है। तो ये सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है, और अगर इस पर फौरी तौर पर इंटरवेंशन नहीं हुई तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो इस वक्त बन ऑलरेडी चुका है, और ज़्यादा इसमें की सूरत हाल जो है खतरनाक हो जाएगी। हुमायूं खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इस पर डिस्कस करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नौकेद साई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। पिशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसानुल्लाह सिद्दीकी साहब, तजियाकार हैं एहसान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हुमायूं साहब आपसे मैं आगाज करता हूँ, ओ आई सी को ख्याल आ गया? मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। कल हम जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मा की तरफ से एक यूनाइटेड जो है वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया, उसका एक इमरजेंसी जो है वो समिट जो है तलब किया गया सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पे, और पाकिस्तान ने एज़ यूजुअल जिस तरह पिछले चंद महीनों से हम कोशिशें कर रहे थे अफगानिस्तान के लिए, तो हमने भी उसको होस्ट करने की ऑफ़र कर दी कि उसके अंदर जो भी लॉजिस्टिक्स की इशू है फौरी तौर पे आप पाकिस्तान आएँ, जो 15 या 17 दिसंबर को वो होना है। लेकिन आई होप इट्स नॉट टू लिटल टू लेट। अब जो हिस्ट्री बताती है बहुत सारी चीज़ों की, वो तो यही कहती है कि यूनाइटेड स्टांस मुस्लिम उम्मा का आज तक किसी जो है क्राइसिस के ऊपर नहीं आया, फ़लस्तीन की इशू पे नहीं आया, कश्मीर की इशू पे नहीं आया, अल्लाह करे अफगानिस्तान की इशू पे आ क्या सकता है। उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक, ओएसी के अंदर कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि फाइनेंशली बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा एड का निज़ाम, ऐसा कोई पैकेज अनाउंस कर दिया जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, जो कि इस सर्दियों के 3 महीने 4 महीने या 5 महीने जो कि सर्दी है, उसको अफगान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको उन क्राइसिस को अवॉइड करने में मदद दे। ये 17 तारीख को है, 17 दिन बाद, उन्हें तो फौरी तौर पे जरूरत है, होना चाहिए था। यही बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको सिंबॉलिकली बताती हैं कि अर्जेंसी क्या है, लेकिन वो 17 को भी जो है वो भी चूंकि ये इजलास बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर करना होता है, तो एक दिन के अंदर जो है फैसला शायद बड़ा मुश्किल हो। उसके ऊपर भी पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। किया तो ऐलान सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की इनिशिएटिव बड़े अरसे से थी, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे जो पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट्स थे उनके साथ रबते में थे। 17 दिन बहुत बड़ा अरसा है, सर्दियां अगर 17 दिन उनको चीज़ें नहीं मिली तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब इसके बारे में कुछ और किया नहीं जा सकता। ठीक, साई साहब, पाकिस्तान मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, कर भी रहा है, हमने अपने तौर पे अपने मसाइल के मुताबिक वहाँ पर चीज़ें भिजवाई, फाइनेंशियल एड दी, और अब हमने ये फैसला किया बावजूद इसके कि भारत के साथ जो हमारे ताल्लुक आते हैं, लेकिन भारत से गंदम वहाँ जा सकती है। सो मतलब बाज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हमसाया ममालिक में पाकिस्तान ही वाहिद वो मुल्क है इस वक्त जो इस वक्त साथ खड़ा है अफगान। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया में, और जिस तरह ये हम गंदम की सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी जब अफगान बुरी हुकूमत के जो वज़ीर ख़ारजा आए थे, क्योंकि इंडिया ने पहले से ऑफर की हुई थी कि 50,000 मेट्रिक टन गंदम हम भिजवाना चाह रहे हैं। अब इधर कुछ इश्यूज आ गए हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि आप वाघा तक लेके आएँ, उसके बाद हम अपनी जो है इसको अपने ट्रकों में लोड करके अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे, जिस पर इंडिया का रद्दअमल आया है कि इससे जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप जो हमारे ट्रक्स हैं उनको ही अफगानिस्तान तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करें।
तो मेरा ख्याल है इसमें कुछ जो पाकिस्तान ने ये डिमांड की है तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होंगे जिसकी बेस पे पाकिस्तान ये कह रहा है। तो बाकी तो हमने, यानी आपको याद होगा 2008 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी इंडिया ने इस तरह का एक ऑफर की थी कि हमें ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त दे, तो रिफ्यूज़ कर दिया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस वक्त ह्यूमन क्राइसिस जो बन रहा है उस पर कंट्रोल करना है, उसको कम करना है, तो इसलिए पाकिस्तान ने यह डिसीजन लिया था। तो मेरा ख्याल है इस पर इंडिया को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भी मैच कर रहा है 50,000 मेट्रिक टन, हम भी दे रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। एहसान उल्लाह साहब, पहले तो जरा ये बताइएगा कि अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल इस वक्त है क्या? तालिबान का जो एक इक्तदार है या उनकी जो गिरफ्त है वो पूरे अफगानिस्तान पर मुकम्मल है, साबित है, जिसमें मतलब कुछ गैर रियासती अनासर का भी जिक्र आता है, यानी कि वो पूरे तमाम के तमाम इलाकों को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सबसे पहला शहजाद साहब, आपको, मेहमानों का और नाज़रीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ। हाँ, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा ऊपर मुकम्मल तौर पे है, और अब जो एक चीज़ लास्ट 14 ईयर्स से जो मिसिंग था वो सिक्योरिटी था। सिक्योरिटी अभी बहुत अच्छा है अफगानिस्तान का। अगर आप कहीं कोने अफगानिस्तान के जाना चाहते हो, रोज़ हो या शाम हो, नाइट डे, आप जा सकते हो और कोई थ्रेट नहीं होगा। ठीक, यानी कि अफगानिस्तान 100% अफगानिस्तान के इलाके पे उनका कंट्रोल है, इसका ये मतलब हुआ कि अफगानिस्तान के में जहाँ पर भी जिस इलाके में भी लोग रह रहे हैं उनको उनको सिक्योरिटी फराम करना, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी फराम करना अब इस अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है, मगर यही एक मिसिंग पॉइंट था लास्ट 20-40 ईयर्स, जो हम अफगान लोगों को जो सिक्योरिटी नहीं था वो अब मिल गया है। अब जो अफगान लोग जो फेस कर रहा है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बहुत बुरी हालत से अफगान लोग फेस करता है, और वो यही है कि अफगानिस्तान का जो सेंक्शन लगा हुआ है अफगानिस्तान करंट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एक बहुत बुरा हालत लाया है इकोनॉमिकल वाइज। और सिक्योरिटी वाइज अगर हम बात करना चाहिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हालत में रहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल जो है ना सिद्दीकी साहब, जो मेरा सवाल आपसे था वो ये कि हुकूमत में आने से पहले अफगान तालिबान को हम सिक्योरिटी की बिना पर तो हम ब्लेम कर सकते थे, लेकिन जो मुआशी हालत अफगानिस्तान की थी उस पर उंगलियां अशरफ गनी की हुकूमत पर ही उठती थी कि 75% आप डिपेंडेंट हैं, तालिबान को भी ये बात मालूम थी, लेकिन क्योंकि अब तालिबान इक्तदार में आए हैं तो इक्तदार में आने के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है, जो जिम्मेदारी पहले अशरफ गनी हुकूमत के कंधों पे थी अब वो तालिबान हुकूमत के कंधों पे है। हाँ, ये तो क्लियर बात है कि सिक्योरिटी सब काम जो है वो अब यही गवर्नमेंट के ऊपर है, मगर बात ये है कि हमसाया मुल्क जो हैं और दुनिया का सब मुल्क जो है मुसलमान मुल्क जो है वो उसका हेल्प करना चाहिए अफगानिस्तान को, ये करंट गवर्नमेंट का जो है वो बैन अक्वामी शनाख्त के ऊपर। और मेरा मतलब ये है कि अफगान लोग जो अब फेस कर रहा है ये तालिबान के आने से नहीं हो गया है, ये पहले से ही था ये इकोनॉमिकल क्राइसिस, और अब जो सैंक्शन बढ़ गया है ये हम मेरे ख्याल से तालिबान की हुकूमत की जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि दुनिया सैंक्शन लगवाया है। वेरी राइट, सैंक्शंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं वापस आता हूँ आपके पास सिद्दीकी साहब, हमायूं साहब, OIC या कोई भी मुल्क इनफरादी हैसियत में कोई फैसला करता है अफगानिस्तान का साथ देने का तिजारत में दीगर उसमें, तो जो पाबंदियां हैं अमेरिका की तरफ से उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसमें आप ये देखें कि आपने आज फैसला किया कि हमने जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे थे गंदम का किया, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपना बॉर्डर अभी उनके साथ मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स जो 5 हैं वो हमने खोली हुई हैं, तजारत जो है बार्टर की तहत हो रही है उसमें। आप डॉलर में ना करें, आप बार्टर कर लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन बार्टर तब करें वहाँ पे जो है बड़े अरसे से बारिशें नहीं हुई, खुश्की कब वहाँ पे है, उनकी गंदम जो है मतलब जो उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बड़ी कम हुई हुई है, तो उनके पास देने के लिए भी कम है, बार्टर किस चीज़ के साथ करेंगे? तो पॉइंट ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड का अगर OIC ने कोई ऐलान कर दिया
उसको देने के लिए भी जो है ना फिर टेक्निकल इश्यूज बनेंगे कि आपके पास किस बैंक को आप दें, अफगान गवर्नमेंट जिसको आप मानते नहीं हैं उसको आप कैसे ऐड दें। तो उसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है INGOs जो हैं उनके तहत जो है कुछ मैकेनिज्म तैयार किए जा रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने भी अनाउंस किया, अमेरिकन ने भी, अगर आप देखें तो पिछले साल में तकरीबन 1.5 बिलियन का जो है गवर्नमेंट को नहीं दिया, वो INGOs के तहत वो दे रहे हैं। तो ये सिस्टम कर लेना बड़ा बेहतर है, लेकिन ये बहुत बड़ी टेक्निकल इश्यूज बनेंगे कि वो एड कहाँ तरसील की जाए, और फिर वहाँ जब वो आ जाएगा तो उसको देने वाले कौन होंगे, किन लोगों के थ्रू होगा। आप अफगान गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको आप मान नहीं रहे, आपने पैसे दे दिए तो उसकी तरसील कौन करेगा। अच्छा, अब इसमें तरसील भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप शायद गंदम उनको दे दें, चावल दे दें या अदवियात दे दें, उसका जो इशू बनना है कि उनकी तनख्वाहें कौन देगा, स्कूल के टीचर्स की, ह्यूमैनिटेरियन के जो वो एड वर्कर्स हैं उनकी, पुलिस की, वो इशू बन रहा है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले भी चार चार पाँच पाँच छः छः महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। और ये उनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने भी जो अपनी परसों तरसों तकरीर की उसमें यही कहा, और फिर साथ उन्होंने ब्लेम भी दिया, जिस तरह सदीकी साहब कह रहे थे ये क्राइसिस आज का नहीं, ये पिछली हुकूमत का था जिसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, करप्शन मैसिव लेवल पे थी, और करप्शन के ऊपर तो अमेरिका की जो वो है स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान सिगार जो है उनकी अब पिछली जितनी रिपोर्ट्स देख लें वो बता रहे हैं कि मैसिव करप्शन हुई। इसका जिम्मेवार कौन है, एड देने वाला कौन था, लेने वाला कौन था, एक अमरीकी हुकूमत थी और दूसरी अमरीका के आशीर्वाद से आने वाली जो पिछली गवर्नमेंट थी। ये कोई पैकेज भी तय कर लेंगे, ये कोई बात भी कर लेंगे, लेकिन अगेन बात वही आएगी कि अल्टीमेटली जो अफगान आवाम तक उसका समर पहुंचना है वो कैसे पहुंचेगा। देखिए शहजाद साहब, वो आपने पहले भी बात की कि 17 दिन है उसमें, तो क्योंकि अभी चीज़ें सफारती लेवल पे तय होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफर किया हम होस्ट करेंगे, सऊदी अरेबिया ने प्रपोज़ किया था, तो मेरा ख्याल है ये 57 कंट्रीज़ हैं OIC के, तो इन सब से एक डिस्कशन होगी और उस पर फिर ये कितनी इस किस हद तक एक्सेप्ट होती है हमारी ऑफर उस पर भी बात होगी। तो मेरा ख्याल है ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी चीज़ें अफगानिस्तान के हवाले से तय करेंगे, इनके जो लीडरशिप है कि हमने किस तरह जाके अपना केस जो है अफगानिस्तान का उसको डिस्कस करना है और उसके लिए क्या अनाउंस करना है। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, और क्या अफगानिस्तान या तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर भी बात होगी? डेफिनेटली इसमें ये एजेंडे का हिस्सा तो होगा कि अफगानिस्तान को किस तरह जो है वो तस्लीम किया जाएगा, यानी फौरी उसका जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी, और रिकॉग्निशन के हवाले से मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का अपना डेलीगेशन OIC अपने प्लेटफॉर्म से फैसला कर ले कि जी हमने अफगानिस्तान को तस्लीम करना है, मतलब अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है, सो फिर कितना प्रेशर होगा ये मगरबी ममालिक के ऊपर कि वो भी फॉलो करें? देखें, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनमें बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका एक जो है वो समझे जाते हैं कि वो अमेरिका के ज़ेरे साया हैं, या उनका जो पलड़ा है वो उधर ही होता है, और उनकी ट्रेड और बाकी जो उनके मामलात हैं वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं। तो उन सब को उनकी जो अफगान डेलीगेशन आएगा वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो डेफिनेटली OIC के जो वज़रा खारजा है उनके सामने रखेगा। तो उसके बाद हम सब अमरीका की तरफ देख रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल अल्टीमेटली तो सारे अमरीका की तरफ देख रहे हैं। ठीक है एहसान साहब, ये बताएं, अभी आपने कहा कि हमसाया ममालिक को मदद करनी चाहिए, जो अफगान अवाम है वो इस वक्त यकीनन सारे चीज़ों को से गुजर रहे हैं, मतलब उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हम बैठ के यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन उनका क्या रद्द अमल है, उनका क्या रिस्पांस है, वो क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उनके बारे में क्या ओपिनियन पाई जाती है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान का लोग जो है पिछले 40 साल से यही सख्ती से गुजर रहा है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ 2509 बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए ज़्यादा जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि हमारा जो बायलेटरल बिजनेस है वो भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है, और वो जो हमको जो बाहर दुनिया को मदद कर रहा है वो भी पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो अफगानिस्तान का लोग जो है ज़्यादातर पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, क्योंकि बॉर्डर के हिसाब से और कल्चरल रिलेशनशिप जो हमारा और पाकिस्तान की जो है वो, और इस्लामी आइडियोलॉजी जो एक दोनों इस्लामी मुल्क है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। वो ये भी अभी पाकिस्तान जो कर रहा है वो अच्छा चलें, पाकिस्तान से तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान जो अपने अपनी इस्तेदात के मुताबिक कर सकता है वो कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अफगानिस्तान का केस प्लीट कर रहा है, अफगान आवाम
को तालिबान से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और तालिबान के आने के बाद वो उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी आवाज़ मैंने आप सुन लिया, आप नहीं, फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि तालिबान से अफगानिस्तान के लोग जो बड़ा वो जो उससे मांगना था वो सिक्योरिटी था। मैंने पहले भी बोल दिया कि अभी अफगानिस्तान में सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, पिछले 40 सालों से ऐसे एक सिक्योरिटी अफगानिस्तान में नहीं था और लास्ट 20 ईयर में स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा हालत था अफगानिस्तान का। अब सिक्योरिटी वाइज सब सेफ़ी, तो क्या उसकी वजह ये है कि जो एक खुद सबसे बड़ी इंसर्जेंसी थी अब वो हुकूमत में आ गई तो अब सिक्योरिटी का इशू तो पैदा होना नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या इसकी वजह ये है कि तालिबान खुद एक इंसर्जेंसी के तौर पर काम कर रहे थे, अब वो खुद हुकूमत में आ गए हैं तो सिक्योरिटी का मसला तो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जा रहा था? ये बाकी जो गैर रियासती अनासर हैं दाइश खास तौर पे, ये कितना बड़ा थ्रेट है? शॉर्ट टर्म में अभी जो है थोड़ा बहुत थ्रेट है वो इसलिए कि तालिबान को वो सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो क्विक रिएक्शन के लिए सब एक्सपेंसेस माना जाता है तो वो उसके पास नहीं है। अगर यही हालत बुरा हो जाता है तो इसके लिए जिम्मेवार तालिबान नहीं होगा, सब दुनिया होगा, क्योंकि इस सख्त हालत में तालिबान को अकेला छोड़ना ये बहुत बुरा यानी नहीं। लेकिन एक 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 सवाल और एक बात है, वैसे एहसान साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन तालिबान को लाने में अमेरिका का भी एक किरदार है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती तो तालिबान को लेके नहीं आया, तालिबान अपनी चॉइस से आए हैं। तालिबान अपनी चॉइस से आया है मगर बात यह है कि वो जो फंड है अफगानिस्तान का वो भी अभी नहीं दे रहा है, दुनिया सैंक्शन भी है और हुकूमत को चलाना भी एक्सपेंसेस। चलें ठीक हो गया, तो बहुत शुक्रिया एहसान साहब, पॉइंट वेल टेकन, पॉइंट वेल टेकन, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ है। हुमायूं साहब, तालिबान अगर नाकाम हुए तो उसकी नाकामी उन्होंने एहसान साहब ने दुनिया पर आयद की है और अक्सर कहते हैं जी वो 9.5 या 10 अरब डॉलर, 9.5 बिलियन, तो वो कोई कोई फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन एक्सचेंज, कोई जो एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो पैसा नहीं है, वो पैसा है कि जो अफगानिस्तान को इमदाद की सूरत में या मुल्क चलाने की सूरत में मिलता था और वहाँ पे से मेजॉरिटी उसके पैसा वो है। सो फिर अगर तालिबान उस पैसे को डिमांड कर रहे हैं सो ये भी सोचना चाहिए वो पैसा आया कहाँ से। मेरा ख्याल है इस बहस से कतअ नज़र, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो पैसा वही इंटरनेशनल एड या उनका हिस्सा था या जो प्लेजेस थे या जो उनको 75% जिस एड का हम जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल है ब्लेम दोनों पे आएगा, अमेरिकन के ऊपर भी आएगा जो कि अब उस रिकग्निशन जो कि दोहा मुआहदे से खुद एग्रीमेंट करके निकले और उनको इख्तियार दिया पावर का, और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट पे भी आएगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल डिमांड्स हैं। अब बेसिकली ये हो रहा है कि पहले ब्लेम कौन करेगा? नो बट फिलोसॉफिकल डिबेट असाइड, ब्लेम किस पे आएगा इससे कतई नज़र नुकसान किसका होगा? हम बहुत अरसे से कहते हैं जी कि कश्मीर पे मसला है, ब्लेम यूएन पे आएगा, भारत पे आएगा, तो ब्लेम जिस पे मर्जी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन नुकसान तो लोगों का हो रहा है। यहाँ पर भी नुकसान लोगों का है, अफगान आवाम का है। सबसे बड़ी जो है जो क्लैमिटी होगी अफगान आवाम की होगी। अब वो सोचना किसने है, या तो जो उस वक्त इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है उसने सोचना है, या फिर जो नेबरिंग कंट्री हो, नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान का रोल सबके सामने आया हो गया कि हम हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सिलसिला चल पड़े। अब अगर अफगान गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड्स को नहीं मान रही, और अच्छा उनमें भी सारी डिमांड्स, मेरा पॉइंट सॉरी टू कट यू, वो ये कि रियासत पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आप और मैं और साई साहब बैठे हैं कि हमारी हम क्योंकि पाकिस्तानी शहरी हैं सो हमारी जान की हिफाजत एक बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी नहीं कि अफगानिस्तान के अवाम की जान की हिफाजत है। मैं रियासत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, तो ये जिम्मेदारी तालिबान हुकूमत और वहाँ की रियासत पे आती है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी उस नेशनल सिक्योरिटी के अंदर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस तरह रेफ्यूजीज़ का मैंने बताया, जिस तरह सिक्योरिटी का इशू था, वो एग्रीवेट हो सकता है कि अगर हवाम पे हालात ख़राब हों, तो इसलिए हमारी स्टेट कोशिश कर रही है। अफगान स्टेट, अफगान इंटरिम गवर्नमेंट का ये कंप्लीट उनकी ड्यूटी है कि वो उन हालात में निगोशिएट करें, लेकिन इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसमें आपने बहुत सारे मुल्कों में देखा होगा बड़ी टफ बार्गेनिंग होती है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। वहीदुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तजिया कार हैं। वहीदुल्लाह साहब, आपके पास आने से पहले जरा मैं साई साहब से एक सवाल करूँ। साई साहब,
क्या ये जो हुकूमत में लोग आ जाते हैं ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक जहाँ पे इस किस्म की सिस्टम्स नहीं है, इदारे कमज़ोर हैं, उनको क्या कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होती आवाम का क्या होगा? देखिए, क्या नहीं होगा? ये कहना कि तालिबान एक दम आ गए तो ये इसमें कोई, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ कि ये एक पिछले 3-4 साल का प्रोसेस है। अमेरिका के साथ वो बैठ रहे हैं और अमेरिका को भी ये पता था, उनको उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तो काम कर रही थी कि किस तरह अशरफ गनी लोग और किस तरह उनके उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। अगर थॉमस वेस्ट की स्टेटमेंट को मैं आज यही कहने लगा हूँ कि आज भी जो अमेरिका के और इसके मुतकी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें भी उन्होंने यही डिमांड किया है कि आप हमारे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करें और साथ साथ जो सेंक्शन हैं हम पे, सेंक्शन में मेरे ख्याल जो उनके जो मेम्बर कैबिनेट्स हैं जो उनके ब्लैक लिस्ट हैं और इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर पर उनकी पाबंदियाँ हैं उसके हवाले से। लेकिन जो थॉमस वेस्ट बात कर रहे हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कहा है कि तालिबान को इक्तदार में आने से पहले हमने बता दिया था कि अगर आप बजोरे बाजू आते हैं तो हम आपकी इमदाद भी बंद करेंगे और सेंक्शंस भी लगाएंगे, यानी कि तालिबान को इल्म था कि अगर वो ऐसे इक्तदार में आते हैं तो ये पाबंदियां लगेंगी। शहजाद साहब, ताकत का एक नशा होता है और जैसे जैसे अफगान तालिबान ने जब चढ़ाई शुरू की तो वो कोलैप्स होते गए जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो तालिबान को यही लग रहा था कि ये चीज़ें जिस तरह ये छोड़ के जा रहे हैं हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो क्लैप्स कर गई। एवैक्यूएशन में जो उनका एक जो पढ़ा लिखा तबका था वो उधर से चला गया, एक्सपर्ट्स चले गए, तो मेरे ख्याल उससे जो चीज़ें फिर अमेरिका ने बिल्कुल मोड़ लिया तो उस वजह से वो क्लैप्स कर गए। वहीदुल्ला साहब, ये जो इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल है, तालिबान पावर में है, क्या पावर में आने से पहले उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उनकी प्लानिंग की कमी थी या सही तौर पर उन्होंने बार्गेन नहीं किया अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ कि अगर वो पताकत में आते हैं तो कम से कम अफगानिस्तान का निजाम चलता रहे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी दावत से। तालिबान नॉट रेडी एंड सडनली दे टेक ओवर द पावर इन काबुल and the international community, especially United States and the regions and Ashraf Ghani government, and you know Ashraf Ghani escaped suddenly and he did not do what the Afghans accepted from him. But were they prepared or not, the Taliban? The Taliban were not prepared. They were not prepared to take over by military force Kabul. Okay. तो लेकिन अब बात यह कि वो आ तो गए हैं, अब ये एक रियलिटी है कि अफगानिस्तान पे वो रूल भी कर रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ जब हम बात करते हैं इंसानी अलमिये की, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की, तो उसमें जिम्मेदारी फिर उस मुल्क की सरहदों से निकल जाती है, वो फिर जिम्मेदारी आलमी इदारों की, हमसाया ममालिक की, बड़ी ताकतों की आ जाती है। Americans signed the agreement in Doha. They were agreed on the inclusive government, the human rights, women rights, everything. ये तालिबान तो दावा करते हैं उन्होंने all inclusive, broad based government बना दी है। Yes, they said it's a broad based government है, जो वो अमेरिका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बताया कि ये inclusive government नहीं है, तो इतने ग्रुप से पश्तून। आप क्या समझते हैं ये है या नहीं? What the United Nations think? You know, we need the United Nations, we need the United States, and you know that they freeze our $9 billion, and they should unfreeze that. So whether United States is speaking the truth or a lie, we have to trust it just because it's a superpower and has the capacity to fund the entire Afghan government. Yes, but Taliban should be flexible because we need the international community, we need the United States. लेकिन सर, अगर United States कोई बात गलत कर रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि वो एक military might है, क्या उसकी गलत बात को तस्लीम कर लिया जाए? वो इस time से since 3 months, more than 3 months, तो Taliban Pakistan और regional countries और United States तस्लीम नहीं करेंगे। They are not recognized the Taliban regime till now. Very right. वहीदुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया। इस पे कुछ अगर आपने ऐड करना तो वक्फे के बाद कर लीजिएगा, ब्रेक में ले लूं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। Who was he? क्या बोला गया?
prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसकी इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आजादी राय। इट इज अ फेलियर ऑफ द ओआईसी दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन टू द वेस्टर्न कंट्रीज दैट द लव एंड अफेक्शन दैट वी फील फॉर आवर होली प्रॉफिट। मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा उसने इस चीज को उठाया। आई कॉल ऑन द सेक्रेटरी जनरल टू कन्वीन अ ग्लोबल डायलॉग ऑन काउंटरिंग द राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर वन रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है अफगानिस्तान तालिबान इस वक्त वहाँ पर क्राइसिस, उस पर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की बात। अगर हम बात करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें पूरी दुनिया को, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, इस खत्ते का सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो चीन है। चीन के डायरेक्ट स्टेक्स भी हैं अफगानिस्तान के अंदर, और मुस्लिम उम्मा का या जितनी भी हमारी एक फ्रेटर्निटी है उसका जो लीडर है वो सऊदी अरब है। अगर ये दो बड़े ममालिक चाहें तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है उसमें बड़ा एक किरदार अदा कर सकते हैं, एक दुनिया को, इस रीजन को, मुस्लिम ममालिक को लीड कर सकते हैं, ख़ासतौर पे सऊदी अरब। और चीन चाहे तो बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक माइट अफगानिस्तान के हालात तब्दील करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो रिस्पॉन्स हम देखना चाह रहे थे वो उस तरीके से शायद आया नहीं। अमेरिका का बिल्कुल एक डिफरेंट एक उसकी उसका आर्गूमेंट है, उसकी सिचुएशन है, उसका एक जो भी रद्दमल आता है उस पर अगर बात ना भी करें तो उस वक्त बात करते हैं कि चीन और सऊदी अरब ये कहां खड़े हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके से इंटरवेंशन करना चाहते हैं। हुमायूं खान साहब, नौकेर साई साहब और शकील रामे साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब आपका भी। हुमायूं साहब, योर टेक ऑन दिस फर्स्ट, के चीन से अगर शुरू करें, कितने, कोई 35 मिलियन डॉलर चीन ने दिए हैं, 35 मिलियन डॉलर शायद 31 मिलियन एक चीन की छोटी सी कंपनी के बजट से भी शायद कम होंगे, अगर मतलब चाइना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सो क्या वजह है कि वो फोर्थ कमिंग नहीं है अपना? सर, इसको आप इंटरनेशनल रिलेशन या बैनुल अक्वामी सियासत के तनाजर में देखें। अमेरिका पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो चीन के साथ, ईस्ट एशिया के अंदर आप कर लें, ताइवान के इशू पे कर लें, ऑकस कर लें, क्वाड कर लें, बहुत सारे ऐसे वो हैं जिसपे वो उसके साथ एक कॉम्पिटिशन ट्रेड वॉर के उस सेंस में कर लें। तो वो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया और प्रेजिडेंट बाइडन भी उसी तरह चल रहे हैं। अभी जो उनकी रीसेंट स्टेटमेंट आई है वो यही है कि हम अफगानिस्तान के साथ, मैं अमेरिकन स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये मुल्क दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। इस तनाजुर में आप चीन को एक उनकी 20 साल अमरीकी कॉन्फ्लिक्ट जब वहाँ से उन्होंने क्रिएट किया फिर खुद निकले, अब दुनिया एक्सपेक्ट करिए, ये शायद कुछ जो है एकेडेमिक्स वो ये सोच रहे हैं कि चीन जो है ना एक लीडरशिप का रोल ले ले। चीन अमेरिका के साथ किसी भी जगह पे लड़ना नहीं चाहता, उनके जो वहाँ पे जो उनके इंटरेस्ट हैं उसको वो नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान के ऊपर जो सबसे पहला मुल्क था 15 अगस्त के बाद वो चीन था जिसने एड का ऐलान किया, दवाइयाँ दी, वैक्सीन की जो है वो प्रोविजन का उन्होंने ऐलान किया और आगे भी करता रहेगा, इस हद तक वो इंगेज रखेंगे। बाकी चीन हमेशा मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर चल रहा है, उन्होंने कहा कि SCO के स्पेशल अफगान का जो कांटेक्ट ग्रुप है उसके ऊपर हम गुफ्तगू करके सारे मुल्क मिलके जो फैसला करेंगे। ये सिर्फ चीन नहीं है भाई, जिस तरह हम कहते हैं कि खत्ते में चीन का इंटरेस्ट है, सेंट्रल एशियन ममालिक का भी उतना ही इंटरेस्ट है, रशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, ईरान का भी है, तो चीन सब ममालिक को लेके चलेगा। शहजाद साहब, ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि चाइना एज अ जो मेजर प्लेयर ऑफ दिस रीजन, उस अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, हम ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं कि चाइना ये नहीं करेगा, अमेरिका के साथ नहीं लड़ेगा, हम तो बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने कहा।
thank the President of the General Assembly and the Secretary General for their important remarks. Their consistent support for developing countries is commendable. Above all, we thank the 134 members of the Group of 77 and China for reposing their trust in Pakistan to lead the largest group within the UN system for the next year. Pakistan is a founding member of the group. We have contributed steadfastly for realization of shared objectives and protection of interests of G77 and China. We've had the privilege of chairing the group in New York thrice. Mr. Chairman, the world faces a three-pronged challenge: the COVID pandemic, realizing Agenda 2030 for development, and the existential threat posed by climate change. Needless to say, developing countries have been affected the most by the triple challenge to the detriment of their quest to achieve sustainable development goals by 2030. The affluent countries have injected over $26 trillion to stimulate their economies and recover from the COVID crisis. The developing countries have been unable to mobilize even a fraction of the $4 trillion they need for economic recovery. The disruption of supply chains and revived demand in the developed economies have triggered global inflation, compounding the plight of the poor and the debt and liquidity problems of the developing countries, which are home to 80% of the world population. Unless the challenges confronting the developing countries are addressed, the world economy will not be able to return to the path of sustained and sustainable growth. Islands of prosperity cannot exist within an ocean of poverty. To overcome these challenges, developing countries must secure adequate financial support to address their debt, development, and climate challenges. They should also have an equitable financial and trade architecture. Mr. Chairman, as the next chair of the Group of 77 in China, Pakistan hopes to work with members of the group to promote a common development agenda for developing countries that includes debt restructuring, redistribution of the 650 billion new SDRs to developing countries, larger concessional financing, mobilization of $100 billion in annual climate finance by the developed countries, ending the billions in illicit financial flows from the developing countries, as well as return of their stolen assets, and the creation of an equitable and open trading system, along with a fair international tax regime. Mr. Chairman, Pakistan believes that notwithstanding their challenges, developing countries have the greatest potential for economic growth, but they need clear parameters for equitable global growth and development to realize the promise of a more equal and inclusive world as envisioned in the 17 Sustainable Development Goals. I thank you. Excellency, Minister of Foreign Affairs of the وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کے گروپ 77 کے 45ویں وزراء خارجہ اجلاس سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کو کرونا کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ماحولیاتی تبدیلی, کرونا اور 2030 تک ترقیاتی اہداف اہم ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی.
तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मेजबानी करने को तैयार है। सो ओआईसी के लेवल से कुछ चीज सामने आ सकती है, कोई कॉन्क्रीट, ताकि ये इंसानी जो अलमिया है इसको इससे बचा जा सके। देखें, जो हम पहले चाइना की बात कर रहे हैं ना, चाइना अपनी गारंटी चाहता है कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का ये हमें गारंटी दे। अब एक तरफ कहते हैं हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उधर से हमें हेल्प आउट भी करें। देखें, जब दुनिया में रहते हैं ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ मेरी बात सुनिए दूसरे की ना सुनी जाए। चाइना के बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं ETIM पे, जब तक अफगानिस्तान उस पे तालिबान गवर्नमेंट बिल्कुल सीधा नहीं आता। हर कैबिनेट मेंबर ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर बार बार ये बात की है कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और क्या चाहिए इसको कैटेगोरिकली, आप कैटेगोरिकली डिक्लेयर करें कि ETIM एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे और भी डिबेट हो सकते हैं। ये हम जो कर रहे हैं ना अभी, हमने सिर्फ क्या कहते हैं ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं। जो डिग डाउन करें, इसको डिग करेंगे ना, तो और चीज सामने आएंगी। मसलन जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, तो अफगानिस्तान ये भी चाइना ये भी चाहता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करेंगे, अब आते हैं आप बात की सऊदी अरेबिया की। देखें, जो सऊदी अरेबिया का जो पीछे रहा है ना, यानी कि आप 20 साल में देखते हैं, जब ये सारी स्ट्रगल चल रही थी, तो सऊदी अरेबिया का कोई कंटेक्ट नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग विद तालिबान गवर्नमेंट, जो कभी तालिबान जो गवर्नमेंट में है। सऊदी अरेबिया का जो जितना भी कॉपरेशन था, वो US के साथ या उनके नेटो फोर्सेस के साथ रहा है। मेरा ख्याल क्या था कि अभी जो कि सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो गेम में इन हो जाए, क्योंकि अब जो कि सिचुएशन है उसमें सऊदी अरेबिया की वो से नहीं रही जो कि 20-21 साल पहले थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनके साथ उस तरह कंटेक्ट में नहीं था। वो तो अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो कर रहा था या नेटो पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। बट हमें होपफुल रहना चाहिए, क्योंकि अभी देखें अफगानिस्तान को जरूरत है, तो हमें चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से भी देखने की जरूरत है। हमें अभी ये देखते हैं कि पाकिस्तान इसको कैसे इसमें परसू तो क्या ये मुमकिन है कि OIC के प्लेटफॉर्म से सऊदी अरेबिया लीड ले और वर्ल्ड ओपिनियन मोबिलाइज कर दे इन फेवर ऑफ अफगान तालिबान, क्या ये मुमकिन है? मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि चांसेस कम, स्ट्रांग वॉइस नहीं है ग्लोबल लेवल पे तो हम बात करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब हमारे साथ। अच्छा, आप शहजाद साहब, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह शकील साहब ने कहा और बाकी भी पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हम सुनते हैं कि ETIM पे काफ़ी बात होती है कि चाइना की ये डिमांड है कि वो ETIM अफगान अबूरी हुकूमत के इसका खात्मा करें, तो फिर कल को अमरीका की भी डिमांड आ जाएगी कि दाइश को ख़त्म करें अफगानिस्तान से, तो फिर हम जो आपके साथ बैठेंगे। तो ये कोई यानी डिमांड इस तरह की नहीं है कि जिसकी बेस पे आपने उनके ह्यूमैनिटेरियन जो है उनको असिस्टेंस देनी है, उनको यानी हेल्प करनी है। मेरा ख्याल इस तरह के ये मुतालबात अभी बहुत मेरा ख्याल ऐसा कोई मुतालबा नहीं आया कि आप उनको ख़त्म करें तो हम आपकी रिकग्निशन के ऊपर करेंगे। ये गुफ्तगू चलती है। चाइना का जिस तरह सिक्योरिटी अपरेटस है, ETIM को 2002 में जो है UN ने और यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन किया था, और फिर नवंबर 2020 में माइक पोम्पियो ने वो सैंक्शन हटा दी और उनको उस लिस्ट से हटा दिया। अब जो चाइना के कंसर्न है कि हमारा जो मुल्क की जो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, जिस तरह अमेरिका के लिए अलकायदा थी, उसके ऊपर वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है। ये अमेरिका अगर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ब्लैक लिस्ट, उनके साथ बैठ सकता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, तो चाइना उनके साथ क्यों नहीं बैठ सकता? सब बैठ रहा है वो, तो उन्होंने कब इनकार किया बैठने से? आप उस पॉलिटिक्स को समझें कि वो इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स होगी, लोग मरते हैं तो मर जाएं। नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन रोल ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का रोल बहुत अहम है, चूंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वो मुल्क है जिसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं। तो 17 तारीख को उम्मीद की जा सकती है कि कोई एक अच्छा हेल्दी पैकेज आए जो कि आइंदा आने वाले 2 या 3 महीनों के लिए अफगान इंटरिम गवर्नमेंट और अफगान अवाम के लिए कुछ रिलीफ आए। लेकिन चंदों के ऊपर हुकूमतें नहीं चलती। जो हम रिकग्निशन की बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मैकेनिज्म होगा जब अफगान गवर्नमेंट और अफगान इकॉनमी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तब ये जो चीज़ें हैं ये सस्टेनेबल तरीके से होंगी। सिर्फ पैसे दे देने, जो कि पाकिस्तान भी कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि बाकी ये हम शॉर्ट टर्म डैमेज कंट्रोल या डैमेज मिटिगेशन की कोशिश कर रहे हैं, एक इस तरह का एड का अनाउंस कर देना कुछ नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका भी अगर 10 बिलियन वो छोड़ देता है, फ्रीज कर देता है, वो 4 महीने चलेंगे। अभी मौजूदा सूरत हाल में ये बहुत बड़ा बड़ा फैसला होगा कि ये 4-6 महीने सर्दी के गुजार दिए जाएँ। इन बिटवीन सफारती सतह पर पूरी नेगोशिएशन चल रही है, UAE के साथ भी हो रहा है, सऊदी अरब के साथ भी है, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, रशिया, चाइना, SCO,
यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है दोनों के दरमियान कोई फ्लेक्सिबिलिटी आए और दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा, अमेरिका को भी और अफगान हुकूमत को भी, और अगर उन्होंने ये कर लिया तो शायद ही हम इस क्राइसिस को अवॉइड कर लें, अदरवाइज ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया बनेगा हिस्ट्री। आप क्या समझते हैं कि क्या OIC डेफिनेटली इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स तो डेफिनेटली होंगी और अनाउंसमेंट्स भी कुछ होंगी अफगान अवाम के लिए, तो मेरे ख्याल उसमें जो अफगान जो अभी इनकी अबूरी हुकूमत है 3 माह में काफ़ी मेच्योर हो गई है, क्योंकि डिप्लोमेसी के जो नाम्स हैं बेसिकली वो उनको अपनाए हुए हैं और दुनिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और दुनिया के सामने अपने मसाइल रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल OIC के सामने भी वो उनको कन्विंस करेंगे और अपने मसाइल जो हैं उनको बिल्कुल लोगों के सामने, एक जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सामने पिक्चर बड़ी वाज़ह करेंगे और दुनिया को ये भी बताएँगे कि ये OIC को ये भी बताएँगे कि कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो किस तरह हमारी मदद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया का रोल बड़ा अहम होगा, दोहा तो कतर तो अपना एक किरदार अदा कर ही रहा है, उनका एक फॉरेन मिनिस्टर की डेलीगेशन जो था वो भी विज़िट कर चुका है, और इसके अलावा वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दुनिया के साथ जितनी भी टॉक्स हो रही हैं उनको स्पेस दे रहे हैं दोहा में, तो मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया की तरफ से उस तरह अभी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। UAE ने अपना एम्बेसी खोल दिया। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान ने बावजूद अपने मुआशी मुश्किल के बड़ी जितनी मुमकिन मदद हो सकती थी वो की है, सो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, UAE है, कतर टू सम एक्सटेंट या कुवैत है, मतलब ये ममालिक क्यों फोर्थ कमिंग नहीं है इस वक्त, रिकग्निशन की बात अपनी जगह बिल्कुल में ये क्यों ऐसा नहीं है, बड़ी एक सर्द महरी हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें एक सर्द महरी जो है वो नज़र आ रही है, और उसकी रीज़न भी क्योंकि अभी वो बिल्कुल खामोश हैं उसके ऊपर अभी, और ना ही अफगान जो बुरी हुकूमत है उनका भी कोई इनके साथ उस लेवल पर कॉन्टेक्ट हुआ है, तो मेरा ख्याल है अफगान जो अबूरी हुकूमत है और उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी चाहिए सऊदी अरेबिया से कुवैत के साथ जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने मामलात जो हैं सामने रखें, और ये इनमें जो कुछ ममालिक मतलब आपस में अनफॉर्चुनेटली जो कुछ ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में 40 साल या 45 साल का जो इस वक्त बिगाड़ है उसमें अमरीका का, रूस का, बाकी ममालिक का बड़ा किरदार है, तो अनफॉर्चुनेटली उन कुछ मुस्लिम ममालिक का भी किरदार रहा है इसमें, इससे इनकार नहीं करना इससे चाहिए। तो बिल्कुल इनकार हो भी नहीं सकता कि अफगानिस्तान के जो हालात ख़राब हैं उसमें हमारा जो मुस्लिम उम्मा है उसका भी एक किरदार है, और हमेशा खामोशी और उसमें खामोशी के अलावा भी अदरवाइज, लेकिन जब हम कहते हैं जी अमरीका ने इस पर सारा मैस क्रिएट किया वो उस मैस को क्लीन करें, लेकिन हम जो हमसे मुराद ये कि बाकी ऐसे कुछ ममालिक जो 40 साल से करते आए हैं वहाँ पे चाहे वो जिहाद के नाम पे हो या जो भी, तो फिर उनको जो भी, उनका भी फर्ज बनता है पॉलिटिकल इस्लाम को या जो जिहाद के नाम को एक्सप्लॉयट किया गया नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव और अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए, वो उससे कोई जो है ना दोहराई नहीं हो सकती। जो आप कह रहे थे ना कि OIC के बहुत सारे ममालिक हैं वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि क्राइसिस उनके घर से बड़ा दूर है। सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को इसलिए हो रही है कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर और वहां पे हालात खराब होंगे तो सबसे बड़ा इफेक्ट हम पे आएगा, ईरान पे आएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे आएगा, तो इसलिए जो जोर है एम्फेसिस है वो हमारी साइड से ज्यादा आ रहा है। उन मुल्कों में ये क्राइसिस कुछ अरसे के बाद जाएगा और उसका इफेक्ट भी इतने ज्यादा नहीं हो सकते, अफगान डायस्पोरा या अफगान जो है स्किल्ड लेबर को इतनी नहीं है कि वो वापस नहीं आएगी, वो उधर ही रहेगी, लेकिन अगर ये चीजें खराब होती हैं तो पाकिस्तान को इमरजेंसी के तौर पर बॉर्डर शायद खोलने पड़े, रेफ्यूजीज और लेने पड़े, अपनी क्राइसिस जो है उसको अवॉइड करना, फिर अब ये जो कोविड का एक नया जो आ रहा है दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी अगेन अ डिजास्टर फॉर द एंटायर रीजन, इस सेंस में हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और आपका ये इससे कोई दो राय नहीं है कि हमने वो जो पॉलिटिकल इस्लाम और जिहाद का जो गलत इस्तेमाल हुआ पिछले 2 दहाइयों में ये वही वापस आ रहा है और हम सबको हार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या पिच करना चाहिए इस OIC के गैर मामूली इजलास में, क्या हमें मुस्लिम ममालिक को इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि तस्लीम करने की तरफ जाएं, या हमें कहना चाहिए कि हम कोई फंड क्रिएट करें उनकी मदद करें फौरी तौर पर? पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और जो अफगान फॉरेन ऑफिस है अबूरी हुकूमत का, वो आपस में बहुत करीबी उनका रबता है, और मेरे ख्याल ये मिल के रिकमेंडेशन दुनिया के सामने OIC के सामने रखेंगे, और उसमें मेरे ख्याल रिकग्नाइजेशन तो एक डेफिनेटली उनकी एक ख्वाहिश होगी, लेकिन मेरे ख्याल जो अभी उधर मसाइल हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो कहेंगे कि आप हमारी हेल्प करें, हमें फंड्स दें, और इसके अलावा तो मेरे ख्याल ये 2 मेन चीज़ें होंगी, एक रिकग्निजेशन की तरफ वो बात करेंगे, दूसरा अपना जो एड के हवाले से वो बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम बात करें अगले 6 महीने वो बहुत उनके लिए अहम है, अभी जो क्राइसिस बन रहा है उस पर काबू पाना सब के लिए अहम है। बिल्कुल ठीक, आप ये देखें कि फिर एक क्या इसको हम डबल स्टैंडर्ड कहें कि अगर सुनामी आता है तो फौरी तौर पर पूरी दुनिया हरकत में आ जाती है और बड़े बड़े फंड्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर इधर से उधर मूव हो जाते हैं। अब अफगानिस्तान में अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ बच्चे और ना जाने कितने करोड़ अफराद जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है, वर्स देन सुनामी,
सो फिर तो वजह यह है कि वो अफगानिस्तान है, एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तालिबान की हुकूमत है, तो शायद ये वजह है दुनिया के ज़मीर जो है जाग नहीं रहा। मेरा ख्याल है ये वेस्ट की भेसी तो हमने बड़े अरसे से देखी है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। जब अफ्रीका के अंदर ह्यूमन कैटास्ट्रफी होती है तो वहाँ पर उसका रिएक्शन वो नहीं होता, फ़लस्तीन के अंदर होती है वो नहीं होता, कश्मीर के अंदर होती है वो नहीं होता, लेकिन अगर यूरोप के अंदर कहीं हो जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचानक जो है ना क्राइसिस जन्म लेता है और इंसानियत ख़तरे में आ जाती है। आपने जब मिडल ईस्टर्न क्राइसिस में रेफ्यूजी सीरिया के जाते हुए देखे और कश्तियों से वो गिरते हुए देखे, उसको वेस्ट ने उस तरह नहीं लिया, कुछ मुल्कों ने बड़ा अच्छा भी किया, मैं सारे वेस्ट को एक उस नज़र में नहीं कह रहा। तो ये जो और फिर उसके जो डबल स्टैंडर्ड, हमारी यूनानिमस वॉइस नहीं है मुसलमानों की, और शायद बहुत बड़ा अलमिया यही रहा है कि इकट्ठे होकर हम बात नहीं करते और हम ब्लॉक में। लेकिन इसमें भी कोई वो शक नहीं है कि अभी जो जर्मन और हॉलैंड के जो एनवाय थे उन्होंने लास्ट वीक जो है काबुल का दौरा किया और इनको फंड्स दिए जिससे इनकी तनख्वाहें हेल्थ और उसमें एजुकेशन के शोबे में जो कोई कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं इस मुलाकात में जो निशस्त होगी इसमें लेने पड़ेंगे और अनाउंसमेंट्स करनी पड़ेंगी। अगर हमने उस कैटास्ट्रोफी को अवॉइड करना है, नहीं करना तो बात बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया बर्खास्तन और जो है उठ के चले, वेरी राइट, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, नौहे साई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।